नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रणव मिश्रा की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। प्रभारी मंत्री रणवीर सिंह उर्फ धुन्नी सिंह स्कॉट में चल रहे थाना अध्यक्ष इकोना का वाहन बौद्ध परिपथ पर तहसील के निकट एक ट्रक की टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें बैठे थाना अध्यक्ष और उनके दो सिपाही हमराह गंभीर रूप से चोटिल हो गए। प्रभारी मंत्री सहित अधिकारियों ने घायल वाहन चालक को निकलवाकर क्षेत्राधिकारी तारकेश्वर पांडे के साथ घायल को सीएससी इकोना पहुंचाया गया। सीएससी पर कांस्टेबल साहिल गंभीर अवस्था में दवा इलाज के बाद सिर में चोट अधिक होने की स्थिति में चिकित्सक अभिषेक यादव ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। अन्य पुलिसकर्मी एवं थाना अध्यक्ष का इलाज सीएससी में हो रहा है। बुधवार को सुबह जिले के दौरे पर आए श्रावस्ती प्रभारी मंत्री रणवीर सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के काफिले को स्कॉट कर थाना अध्यक्ष इकोना अनिल दीक्षित अपने हमरा वाहन के साथ श्रावस्ती गेस्ट हाउस ले जा रहे थे। तहसील इकोना के आगे नारायणपुर व खावा पोखर बौद्ध परिपथ पर बलरामपुर से बहराइच की ओर जा रही 10 टायर संख्या UP42 T5086 जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पुलिस वाहन के दाहिने साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन चालक कांस्टेबल साहिल शेख पुत्र मुन्नी उम्र 26 वर्ष लगभग सिर में गंभीर चोट आने से घायल हो गए। वाहन चालक को गंभीर अवस्था में CH इकोना के जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जबकि वाहन में बैठे थाना अध्यक्ष अनिल दीक्षित व कांस्टेबल मोहम्मद अख्तर कांस्टेबल प्रदीप कुमार को भी हल्की चोटें आई हैं, जिनका इलाज CSC में ही हो रहा है। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार सिंह ने CSC पहुंचकर घायल पुलिस कर्मचारियों का हालचाल लिया। इस मौके पर सभी चौकी प्रभारी एवं थाना इकोना के सभी उपनिरीक्षक पुलिस जवान इस मौके पर CHC में मौजूद रहे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आपकी किस प्रकार की घटना रही होगी और क्या वातावरण रहा होगा उस वक्त का।